हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे चल रहा है सब? बढ़िया। तो आज हिंदी में बात करते हैं आपसे। बहुत लोगों ने बोला कि आप हिंदी में ब्लॉग नहीं बनाते हैं, आपका हिंदी तो बहुत अच्छा है, बनाइए। अभी यहाँ उठ के जाना पड़ेगा। ताने आपको देख रहा है कि नहीं गोप्रो में, बट अभी ठंडी का मौसम है तो पेड़ पौधे ऐसे। जैसे हैं सब। सो अभी हम जा रहे हैं आइंडहोवन। वहाँ पे कुछ हमारे देसी भाई रहते हैं, तो उनसे थोड़ा इंटरव्यू करेंगे अगर टाइम हुआ तो। वो प्लान में नहीं है, सडन प्लान बना है। सुबह मैंने मैसेज किया था कि आप आइंडहोवन में आज फ्री है या बिजी है या क्या हाल है, क्योंकि वो लोग मास्टर्स कर रहे हैं TU आइंडहोवन में। सो मास्टर्स तो बहुत ही टाइट रहती है, मतलब वीकेंड में कभी कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है बाहर जाने का। तो देखिए नज़ारे का कुछ अच्छा तो नहीं है, क्योंकि अभी पेड़ में पत्ते ही नहीं हैं तो। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वो एप्पल ऑर्चर्ड है, पूरा एप्पल का खेत है ऊपर। शायद मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था, मास्ट्रिक्ट वाले ब्लॉग में, देख लेना उसको। तो अभी आइंडहोवन जा रहे हैं, वाल्केनबर्ग स्टेशन तक चल के जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैं साइकिल में जाता हूँ, 8 मिनट लगता है। ऐसे भी मतलब चल के जाने में, अभी देख रहे हैं आप, मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि ये बहुत ही ऊँचा है। तो आज थोड़ा मौसम अच्छा है। कल मैंने ड्रोन उड़ाया था पहली बार, आउटसाइड टेस्टिंग किया। और क्या होता है कि यहाँ हवा बहुत तेज़ होता है और हमेशा ऑलमोस्ट ज़्यादातर बारिश ही होती रहती है, तो इसलिए इतना टाइम नहीं होता है मतलब कि हम कुछ कर पाएँ। सो ये जो ऊपर आपको दिख रही है ना, वही है एप्पल ऑर्चर्ड। कोई बात नहीं, उसे छोड़ो, ड्रोन तो ख़त्म, आज तो नहीं उड़ाना है। एक बार आउटसाइड टेस्टिंग कर लिया, एक वीडियो छोटा सा डाला है, देख लेना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ इतना, मतलब रात के टाइम यहाँ पे मतलब एकदम अंधेरा, एकदम। तो प्लान ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मास्ट्रिक्ट में कोई अच्छा इंडियन मार्केट नहीं है, तो मैं तो रहता हूँ वाल्केनबर्ग में, बट मास्ट्रिक्ट में है नहीं, उसीलिए आकेन सबसे करीबी इंडियन मार्केट है मेरे लिए। तो आकेन का एक मैंने वीडियो डाला था, देख लेना। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये है आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स। अभी तो कुछ है नहीं था, सब सूखा ही है। शायद मैंने जब मास्ट्रिक्ट का वीडियो डाला था तब शायद इसमें एप्पल्स थे, और उसके सामने एक मक्के का खेती था। देख लेना, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगा वीडियो,
यहाँ पे कुछ नीचे गिरे पड़े हैं, फले हैं, पता नहीं क्या है, छोटा छोटा सा एप्पल ही दिख रहा है। शायद अभी सब झड़ गया होगा और फिर उगना स्टार्ट होगा स्प्रिंग जब आएगा। तो मैं ये बता रहा था कि आइंडहोवन में वही है कि आइंडहोवन मेरे घर से ट्रेन में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, 1-1.5 घंटा, तो उस हिसाब से आकेन अच्छा है, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं आकेन में। तो भले ही वो जर्मनी में है बट सुविधा है, तो आकेन जाते हैं हमेशा लाने के लिए, कभी महीने में 1 बार या 2 बार। बट इस बार सोचा कि क्यों ना हर बार आकेन जाके एक मतलब बोरियत से हो गई कि वही सेम कितना देखेंगे आकेन में। इसके सामने ही ठीक यहीं पे था मक्के का खेत, आप वो वीडियो देख लेना पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, बट ये भी एक अच्छा स्पॉट है, अगर घर से थोड़ा दूर हुआ, बीच में हवा नहीं होगा, तो यहाँ पे कभी ड्रोन उड़ा लेंगे। हाँ ये तो बढ़िया आइडिया मिल गया, यहाँ पे भी ड्रोन कर सकते हैं। हाँ ठीक ही है, दूर दूर तक कोई है नहीं, बट ये देखना पड़ेगा कि तार के पास ना जाए, ये तो ड्रोन भी अटक जाएगा और इनकी फिर नुकसान हो जाएगी। मैप्स भी लगे रहते हैं, आप हर जगह ड्रोन नहीं उड़ा सकते, जैसे कि एयरपोर्ट के पास हुआ या छोड़िए उस बात को, हम तो चढ़ गए अभी ऊंचाई। ये सारे लगे पड़े हैं कितने एप्पल के, फिर से आएंगे। तो उस साइड तो हाईवे है और दूर दूर तक, पता नहीं इसमें गोप्रो में तो नहीं दिखेगा, बट ये बोल रहा था कि वही मतलब आइंडहोवन में अगर टाइम मिला इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि एक बंदा शायद आईआईटी से है और एक बंदा मतलब इंडियन आईआईटी जो होता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट, और एक कहीं शायद एक मेटेरियल साइंस का है और एक शायद कोई केमिकल या किसी का था, मुझे याद नहीं है, बट वही है मतलब अभी यह है कि 2020 में जब भी टाइम मिले तो कुछ कुछ फैकल्टीज़ के, जैसे कि कंप्यूटर साइंस तो मैं खुद ही बना सकता हूँ, मैंने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस यहाँ पे, और बाकी आपके हो गए मैकेनिकल, जितने भी फैकल्टीज़ है केमिकल मेटलर्जी, सारे फैकल्टीज़ के एक एक वीडियो अगर डाल देंगे इंटरव्यू टाइप तो कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको, और आपको एक कॉन्टैक्ट पॉइंट रेफरेंस मिल जाएगा कि उनको उनसे बात कर सकते हैं। तो वही है, अभी पता नहीं, मेरे चैनल में तो बहुत लोग इंग्लिश की आदत हो गई है, ट्राई करेंगे कि इसका इंग्लिश सबटाइटल डाल दे ताकि आपको भी समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जो भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं दोनों लैंग्वेज में ही बनाऊँगा, इंग्लिश और हिंदी, या फिर सबटाइटल डालूँगा, बट ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ऐसे ही बात करते करते टाइम चला जाता है चलते चलते, इतना भी टाइम ना चला जाए कि मैं ट्रेन ही मिस कर दूँ जो कि 15 मिनट के बाद है। तो अरे वो पक्षी तो मज़े ले रहा है हवा में, वाह आज एक्चुअली हवा थोड़ा तेज़ है, तेज़ मतलब ये तो नीदरलैंड के हिसाब से बहुत कम ही है, आपको दिख रहे होंगे पेड़ पौधे हिल रहे हैं, हवा तो यहाँ हमेशा देती रहती है, मतलब लगभग 50-60% ज़मीन पानी से नीचे है, सी लेवल से नीचे है नीदरलैंड्स में, तो उसी लिए हवा तो देती ही रहती है। तो वही है मतलब शायद हिंदी में आज एक वीडियो बनाएंगे कि आइंडहोवन सिटी सेंटर, मतलब मेनली वीकली मार्केट जो होता है वीकेंड्स में हर सिटीज़ में नीदरलैंड्स में, वहाँ का क्या माहौल है, क्या प्राइसेस हैं, क्या चीज़ें मिलते हैं, क्या ढंग का सामान है, क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। और ऐसा अगर आइंडहोवन घूमने का टाइम मिला है और अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो इंटरव्यू भी कर लेंगे, नहीं तो पास ही तो आए, कहीं तो हम जा नहीं रहे और कभी नहीं तो आइंडहोवन चले जाएंगे,
नहीं तो फिर ये डाल देंगे, क्या बोलते हैं उसे, वाह हवा दे रही है आज, लेकिन इतना ठंड नहीं है। मतलब फरवरी और मार्च में बहुत ही ठंड रहती है, जनवरी टू मार्च मेन ठंडी के महीने होते हैं, बट इस बार सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंग तो नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग आप तो देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पौधे जल रहे हैं और ये आगे से यहाँ पे था शायद मुझे एक राइट टर्न लेना होगा, तो ठीक है ट्रेन ना छूट जाए। तो अभी कैमरे को बंद करते हैं, स्टेशन पहुँचने से पहले कैमरा फिर से ऑन कर दिया, घोड़े को दिखाता है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ही आपको शायद नीदरलैंड में सबसे स्लोप्स या जो बोले वहाँ पे कुत्ता तो पागल हो रहा है, दो तीन कुत्ते। सबके घर में आपको एक दो कुत्ते मिल जाएंगे। सीनिक व्यू बहुत अच्छा है, देखना है तो नीदरलैंड के साउथ में आइए, मास्ट्रेक्ट, वाल्केनबर्ग। और आज नॉर्मली वीकेंड के दिन सैटरडे संडे सब लोग साइकिल में, साइकिल रेसिंग, बाइक में रेस हो या फिर अपने अंदर ही ऐसे मौज मस्ती के लिए चलाते रहते हैं। बढ़िया है, मतलब साउथ के साइड में नज़ारा एक अलग है, थोड़ा हिली कंट्री साइड, ग्रीन फॉरेस्ट अलग मिलेगा एक्सपीरियंस, और बाकी रेस्ट ऑफ द नीदरलैंड्स तो लोलैंड कैनाल्स और छोटा और बड़ा सिटी दोनों का मिक्सचर एक अलग फीलिंग है। तो दोनों अपने ही एक तो अभी इन रियल फाइनल बाय बोलते हैं, एंडोवन में बात करें। पहुँच तो गया एंडोवन, इसने कहा था दो एग्जिट्स हैं, सेंट्रम एंड द नॉर्थ द यूनिवर्सिटी, सो विल बी एग्जिट करेंगे यूनिवर्सिटी के साइड से, नॉर्थ यूनिवर्सिटी एंड होपफुली वो होगा वहाँ पे, नहीं तो बाहर फिर हवा बहुत तेज है तो देखते हैं क्या होता है। चिपकट से एग्जिट करेंगे इसका, तो बहुत वीडियोस बनाया है मैंने ऑलरेडी, तो आपने देखा होगा इसको। तो अभी यहाँ पे वेट करेंगे, बाहर जाएंगे, मेरे हिसाब से बाहर चलते हैं, इतनी भी ठंडी नहीं है, होपफुली कहीं पे होगा। एक्चुअली मैं हैंडओवर घूमा हूँ बट मैं अच्छे से नहीं घूमा है, कभी मौका नहीं मिला, कुछ काम ही नहीं आया। बहुत ही बड़ा शहर है फिलिप्स, मेन फिलिप्स का हेडक्वार्टर है फिलिप्स, इतनी बड़ी कंपनी है मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखते हैं आज घूमते हैं जितना टाइम मिलता है हैंडओवर। अभी देखते हैं वो कहाँ पर है, फिर बात करेंगे बाद में।